ये सेंचुरी सेलिब्रेशंस में बहुत लोग आंध्रा से आ रहे, आंध्रा से पब्लिक बहुत है, आंध्रा में बहुत मंदिर है, आंध्रा वाले आके इधर आके बाबा के सन्निधान में बहुत भाव प्राप्त बनेगा, आंध्रा वाले बहुत आ रहे। आंध्रा वाले के लिए तेलुगु पीपल सर्विस सेंटर दे आर आस्किंग हियर, तेलुगु वाले के लिए एक सर्विस सेंटर चाहते हैं ये सेंचुरी सेलिब्रेशंस के बारे में, आप कुछ सर्विस सेंटर बनाने का चांस है तो वो अवकाश दीजिए। जरूर बनाएंगे, हमने ऐसे निर्णय लिया है कि इस वर्ष में 100 इन्फॉर्मेशन सेंटर्स पूरे भारत भर में शुरू करने हैं। जो जो टेंपल या जो प्लेसेस सर्व इन्फॉर्मेशन सेंटर शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा प्रीमाइसेस साई संस्थान को उपयोग के लिए दे सकते हैं, तो वहाँ साई संस्थान का एक इन्फॉर्मेशन सेंटर शुरू हो सकता है। वहाँ से शिरडी की पूरी जानकारी, दर्शन का बुकिंग, अकोमोडेशन का बुकिंग, कलाकार की व्यवस्था, बुक्स एंड लिटरेचर वो वितरण की व्यवस्था, डोनेशंस वो सारी व्यवस्था उस इन्फॉर्मेशन सेंटर से हो सकती है। दिस इज़ वन पार्ट। और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा साई सेवक योजना शुरू की है, तो आंध्रा तेलंगाना से भी अगर साई सेवक आते हैं, वो भी अगर सेवा में जुड़ जाते हैं, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा, तेलुगु भाषा में भी लोगों को एक सहायता मिलेगी, तमिल मलयालम कन्नड़ सभी आ सकते हैं, सभी को सेवा का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ जो पीआरओ ऑफिस है वो मल्टीलिंगुअल ऑफिस करने का हमारा प्रयास चल रहा है कि करीब 25 देशों से साई भक्त यहाँ पर आते हैं, 25 देशों की करेंसी डोनेशन बॉक्सेस में आती है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में किसी को अगर कम्युनिकेट करना है तो दैट ऑल्सो इज़ ए नेसेसिटी। वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट साई सच्चरित्र इन 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, एवरीथिंग। तो ऐसे भारत के सभी भाषाओं में भी ट्रांसलेट करना है, सभी भाषाओं के लोग यहाँ पर हेल्प के लिए रहे, ऐसा भी एक मल्टीलिंगुअल पीआरओ ऑफिस सेटअप करने का विचार हम कर रहे हैं। तो ये बाबा का तो दरबार ऐसा है, सभी के लिए खुला है, बाबा ने किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए, ऐसी फिलॉसफी सबके सामने रखी है, न भाषा के ऊपर, न जाति के ऊपर, न धर्म के ऊपर, न प्रांत के ऊपर, सबका मालिक एक है, यही बाबा का वचन है, तो बाबा सबको जोड़ने वाले हैं।